छतरपुर में लूट के दो मामले सामने आए हैं, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके 5 पति हैं और वो सबके साथ फ्रॉड कर चुकी है। वहीं दूसरे मामले में एक व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई। छतरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें फूलचंद कुशवाहा ने आवेदन दिया है कि उसकी पत्नी के कई पति हैं और सभी को किसी न किसी मामले में फंसा चुकी है और अब मेरी बारी है। आवेदन में व्यक्ति ने बताया, विनीता और सलमा ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर 2011 में शादी की थी। विवाह के बाद उसे पता चला कि विनीता ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है। इस व्यवसाय की आड़ में उसके बहुत से लोगों से संबंध है। इसका विरोध करने के कारण विनीता ने अपने पति की सिविल लाइन थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। मैं अपनी पत्नी द्वारा परेशान हूँ, उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी आने तक, एक है वहीं देरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध है उसके। कई बार मैंने मना किया तो मुझे उससे धमकी दिलवाती है कि तो मैं जान से मरवा दूंगी, अच्छी तरह से रहो, मेरे हिसाब से रहो, मुझे जो करना है करने दो, मेरे बीच में मत पड़ो, रहना तो रहो नहीं तो अलग हो जाओ। अभी मुझे 1 महीने पहले उसका एक दोस्त, मेरा एक दोस्त था, उसने बताया, उसके पास डॉक्यूमेंट भी हैं उपलब्ध, मैंने लगा भी दिए इसमें। मैं SP ऑफिस आऊंगा, सर को आवेदन देना, सर को वो आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे कार्रवाई होगी। वहीं दूसरा मामला छतरपुर के नौगांव से है, जहां व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई। घटना उस समय हुई जब गल्ला व्यापारी भवानी दीन साहू अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे, साथ में एक बैग लिए थे जिसमें 1.5 लाख रुपए और दुकान की चाबी थी। जब वो रास्ते में एक दुकान पर रुके, तभी बाइक से आए दो युवक गाड़ी से बैग निकाल कर भाग गए। व्यापारी ने काफी दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापारी संघ का कहना है, अगर चोर और लूटा हुआ माल जल्द बरामद नहीं होता है तो हम मंडी बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुबह घर से निकले जाओ, दुकान के लिए जा रहे थे, वो रास्ते से उनने ईशान का चौराहे से अपने थोड़ा भन्ना ले रहे थे, 10 किलो उनने गाड़ी खड़ी की, पीछे से कुछ बाइक पे बैठ आए, पीछे से उन्होंने गाड़ी खड़ी की और बस भन्ना लेने लिए। दूसरे आदमी ने और उससे ठेला निकाला और गाड़ी पर चढ़ने लगा, तो भाई ने देखा तो उसके पीछे लग गए वो। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद चौराहे पर और जाके अंजुल लाला के चौराहे तक गए वो, वहाँ से जाके पता नहीं लगा किस साइड गए हैं सर। उसमें सर 1.5 लाख के आसपास थे सर। सर उसमें हमारी गोदाम की चाबी है, पूरे गोदामों की चाबी है, मेरे पास कुछ नहीं करता सर, 4 गोदामों की चाबी है सर। हम लोग चाहते हैं सर वो पकड़ा जाए और हमको न्याय मिले सर। आए दिन नौगांव में हर यहाँ चोरी हो रही है, अभी एक व्यापारी की गोलक भी उठ गई है सर, अभी कोई नहीं, उसका कोई नहीं निकला सर। हम लोग चाहते हैं सब व्यापारी अगर सही नहीं निकलता, हम सभी लोग मंडी बंद करें, सब व्यापारी चक्का जाम करेंगे सर। हम बताइए चौराहे के पास जो है एक व्यापारी जिनका नाम भवानी दीन साहू है, अपने घर से निकले थे और अपने घर से निकल के वो एक दुकान पे खड़े हो गए थे। उनकी गाड़ी में टंगा हुआ एक बैग जो है एक व्यक्ति जो है उठा के ले गया है, जिसपे अभी अपराध कायम कर लिया गया है और उसमें पकड़ा जाएगा, उस पर तैयारी की जा रही है। इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, पहले जो है 2-1 महीने पहले ऐसी कोई घटना घटी थी, जिसमें जो है आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी भी उसको शीघ्र न्यायालय प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।